फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है उसके विषय में बताऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, उसका मेजरमेंट ये है। तीरा फ्रेंड्स हमारा 12 इंच, लंबाई होगी 37 इंच, चेस्ट होगी 42 इंच, कमर होगी 37 इंच, हिप 44, पल्ला 22 इंच, बाजू 5 इंच, मोरी 6 इंच। उस मीटर कपड़ा चाहिए। उसके लिए 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। उसको पहले हम इस तरह से लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ये ठीक तरह मिलाकर को किनारी के साथ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अब हिप के हिसाब से हम इसको कपड़ा रखेंगे। हमारी हिप है 44, 44 का चौथा हिस्सा 11 इंच, 11 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो 13 इंच पर हम इस तरफ निशान लगाएंगे। 13 इंच पर अब इस निशान को इस तरह पकड़कर, ये बिल्कुल सीधा आएगा, और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इससे दोस्तों हमारा काफ़ी कपड़ा बच जाता है और जितने की हमें ज़रूरत होती है उतना ही हमारा कपड़ा कटिंग में आता है। और इस तरह ये अब हमारा सारा कपड़ा बच गया और इस पर हम अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाएंगे। आधा इंच दोस्तों ऊपर ये पैलन सीधा कर लेंगे। अब आधा इंच दोस्तों हम सिलाई के लिए ऊपर छोड़कर निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 12 है तो उसका आधा 6 है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल होगी हमारी 7.5 इंच। चेस्ट हमारी 44 है, 42 है, और 42 का आधा होगा चौथा हिस्सा 10.5। 10.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। ये चेस्ट के हिसाब से दोस्तों लगता है। यदि हमारी 21 है तो हम 8 इंच पर लगाएंगे, उससे कम या ज़्यादा होगा तो उससे हम 7, 7.5, 8, 8.5 तक निशान लगाएंगे। और ये हमारी 34 है कमर, तो उसका आधा होगा चौथा हिस्सा 8.5 पर हम निशान लगाएंगे। और लंबाई है हमारी 37 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे तो हम 37.5 पर निशान लगाएंगे। और 3 इंच हम आगे नीचे मोड़ने के लिए रखेंगे तो हमारा होगा 40 इंच। 40 इंच पर हम निशान लगाकर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। हिप का निशान हम 19, 20 या 21 पर लगाते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे 21 पर। हिप है हमारी 44, 44 का चौथा हिस्सा हुआ 11, तो हम 11 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे।
और दोस्तों ये सभी निशान हमारे खुली तरफ लगेंगे, अपन तरफ हमारा कोई निशान नहीं है। और उसके बाद हम निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। और इस निशान में हम थोड़ी गोलाई कर देंगे। और दो दो इंच दोस्तों हमें आगे मार्जिन रखना होता है। ये दो दो इंच का मार्जिन हमने रख दिया है पहले ही यहाँ पर। अब हम ये मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब दोस्तों हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये होगा हमारा ये, इस पर हम दो निशान लगाएंगे, एक पीछे के पीस के लिए और एक आगे के पीस के लिए। ये हम चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। ये इसमें हम में आगे का फ्रंट हिस्सा 12 रखना होगा और पीछे का 16। तो 12 के लिए आधा इंच हमने मार्जिन रखा है, तो ये हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो 6 इंच 6 होकर 12 होगा। और ये 8 × 2 = 16, ये आधा इंच हमारा सिलाई के लिए। और पल्ला हमारा होगा 22, उसके लिए हम 11 पर निशान लगा देंगे और दो हमें फोल्ड करने के लिए ऐसे कपड़ा चाहिए, तो ये हमारा उसका हो गया। और ये हम सीधी निशान लगा देंगे। ये 37.5 का दोस्तों हम यहाँ निशान लगा दिया। और ये अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों कटिंग हम यहाँ से करेंगे, ये गले का निशान होगा तो यहाँ हम थोड़ा कट लगा देते हैं। उसके बाद हम पहले ये पीछे का जो पीस कटेगा उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग हम बाद में करेंगे। ये दोस्तों हमारे आगे के कुर्ते की कटिंग हो गई। और ये हम निशान लगा देंगे, यहाँ पर हमारा कमर का निशान होगा, ये हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ हम कट लगा देंगे। और ये निशान हमारा हिप का होगा, यहाँ हम हिप का निशान लगाएंगे, इससे हमारे सूट की फिटिंग ठीक होगी। और ये हमारा तैयार लंबाई का। अब इसी पीस को दोस्तों रख के उठाकर हम पीछे के पीस की कटिंग के लिए कपड़ा रखेंगे। और ये इस पर हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। ये आगे वाले पीस के हिसाब से ही हमें रखना होगा 13 इंच 2 इंच मार्जिन के लिए मोड़ने के लिए। और 11 होगा हमारा तैयार। तो ये हमें 13 अब इसी पीस के ऊपर हम आगे का जो हमने कटिंग की पीस वो रख देंगे और इस तरह से पूरा मिला देंगे। इसको यहाँ पर हमें पूरा मिलाकर चलना है दोस्तों। ये इधर पूरा नेक के साथ में मिलाना है इसको, और इस तरह हमने ये कपड़ा इसके ऊपर कटा हुआ पीस आगे का रख लिया है। और इसके हिसाब से ये पीछे का पीस कटिंग कर देंगे।
ये पीछे के पीस की कटिंग हो जाएगी इस तरह से। और ये हमारे पीछे के पीस की कटिंग हुई। और अब ये जो हमने निशान दोस्तों लगाया था, अब हम आगे के पीस की इसको अलग करके कटिंग कर दी। कई बार ऐसा होता है पीछे का पीस भी हमारे इसके साथ कट जाता है, तो हम इसको अलग करके तब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे आगे का अब फ्रेंड्स इस निशान को हम गहरा करके इस तरह से को डार्क कर लेंगे और दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए हम इसको इस तरह से करके और इधर इसके साथ मिलाकर और ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारे निशान दोनों तरफ छुप गए और हमें कोई परेशानी नहीं होगी और फिटिंग का निशान बिल्कुल ठीक लगेगा। ये देखिए और इसको हम छोटा सा डार्क कर देंगे और आगे हमें फ्रंट पर गला बनाने के लिए एक निशान हम ऐसे सीधी तरफ लगा देंगे ताकि हमारा गला जब बनाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारा आसानी से सीधा गला बने। और इस तरह ये आगे का पीस हमारा तैयार है। पीछे के गले की कटाई दोस्तों हम यदि हमारा गला 5 इंच है चौड़ाई गले की तो हम 2.25 लेंगे और गहराई 6 इंच है तो हम 6.5 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। तो ये 6.5 पर आकर हमारा निशान लगा, इधर भी हम देखेंगे 2.25 इंच ऐसे खाना बना देंगे और फिर हम यहाँ पर हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। ये पीछे का पीस है दोस्तों हमारा और इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा पीछे का पीस हो गया। अब हम बाजू निकालते हैं दोस्तों। अब उसके लिए जो ये हमारा कपड़ा आगे बचा था उसमें से हम बाजू तैयार करेंगे। अब ये दोस्तों बाजू के लिए हमारे 5 इंच की बाजू है और ये जो कपड़ा बचा था हम अब इसको डबल करके इसको ऐसे मोड़ देंगे और 5 इंच इधर खुली तरफ हम निशान लगाएंगे। बंद तरफ हमें कभी भी दोस्तों निशान नहीं लगाने। अब 5 इंच की बाजू है हमारी तो हम 2 ऐड कर देंगे और 5 जमा 2 7 हो गए। 7 इंच का हम कपड़ा देंगे। ये 7 इंच का कपड़ा हम लेंगे और 7.5 इंच और 5.5 पर हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमारे सिलाई में जाएगा और इस तरह 2-3 जगह हम निशान लगाएंगे ताकि हमारा सीधी कटाई अच्छी तरह से हो। और यहाँ पर हम इस तरह गोलाई देंगे। ये दोस्तों हमारी बाजू के हिसाब से 2.5 2.5 1/2 इस तरह से होती है ये कटाई हमारी। ये हमेशा खुली तरह होती है और मोरी होगी हमारी नीचे की तरफ। इधर ये 6 इंच है हमारी तो हम 6 पर निशान लगा देंगे इस तरह और 1 या 1.5 इंच हम आगे मार्जिन रख लेंगे। यदि हमने ढाई खुली टाइट कुछ करनी है तो हम वो इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। और 10.5 हमारी चेस्ट है तो ये हम 9.5 पर इसका निशान लगाएंगे। 1 इंच घटाकर ये चेस्ट के हिसाब से लगता है तो इसमें चेस्ट हमारी 21 है तो 10.5 हुआ। 10.5 से हम 1 इंच कम कर देंगे तो ये 9.5 पर हमारा निशान लगेंगे और इस निशान को हम इस तरह मिला देंगे और ये हमारा कटाई का
दोस्तों यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब किए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगली वीडियो में हम सिंपल कुर्ते की आपको सिलाई करना बताएंगे और इस तरह ही हम आगे आपकी सेवा में आते रहेंगे। इस तरह हम इस इनकी ये सिलाई के निशान है, हम यहाँ कटिंग करेंगे। ये इस तरह मुड़ जाएगा दोस्तों, इस तरह। और ये हमारी 5 इंच की ये आधा इंच सिलाई में चल जाएगा, 5 इंच ये बाजू हमारी तैयार हो जाएंगी। Oh, 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 oh